नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आइए बात करते हैं अब दिल्ली कैपिटल की, क्योंकि जिस तरह से लगातार देश में कोरोना काल था और कोरोना काल के बाद अगर मैच स्टार्ट हुआ और आईपीएल पर, जिसके बाद जो आईपीएल का कई ऐसे नियम बदल गए हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर दिल्ली कैपिटल पर नज़र रखी जाए तो दिल्ली कैपिटल कितनी मजबूत होगी जब आईपीएल होगा। वहीं अगर पिछले सीज़न की भी बात करेंगे इसमें, जहां पे उसके कई ऐसे टॉप क्लास के बल्लेबाज थे जो पूरे मैच में अच्छी पारियां खेली थी, साथ ही कई ऐसे ऑलराउंडर और उनके स्पिनिंग गेंदबाज भी थे जो कि हर डिपार्टमेंट में अच्छा किए थे, तो नज़र डालते हैं 2020 के आईपीएल पे, जहां पे अगर आईपीएल की जो संस्करण है कोरोना काल की वजह से रोक दी गई है, अगर स्टार्ट हो तो इसके बाद दिल्ली कैपिटल की टीम किस प्रकार से प्रदर्शन करेगी। तो बताते चले कि पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल ने टोटल 14 मैच खेले थे, जिसमें 9 मैच में उसे जीत मिली थी और वहीं 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। जो अगर पूरे पॉइंट टेबल पर देखिए तो दिल्ली कैपिटल की टीम तीसरे स्थान पर थी। तो आइए आप नज़र डालते हैं कि पूरी यंग टीम से भरी हुई दिल्ली कैपिटल अगर मैच होती है 2020 में तो श्रेष्ठ अय्यर के साथ ऐसे कौन कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो बैटिंग का जिम्मा संभालेंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट के साथ साथ बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी टीम को बेहतरीन मैचों में आगे बढ़ाकर खेलेंगे। तो सबसे पहले अगर नज़र डालेंगे श्रेष्ठ अय्यर पर, जो कि टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने पूरे 14 मैच में 463 रन बनाए थे, कि उनका एवरेज 30.86 छक्का था। वहीं अगर ओपनर पर नज़र डालें शिखर धवन पे, तो पृथ्वी शॉ ने टोटल 14 मैच खेले थे जिसमें उन्होंने 353 रन मारे थे, एवरेज 22.06 की औसत से। शिखर धवन पर नज़र डालें तो शिखर धवन ने पूरे टूर्नामेंट में दिल्ली की तरफ से टॉप बल्लेबाज में से एक थे, जिन्होंने 14 मैचों में 521 रन और साथ ही उनका एवरेज भी 34.73 का था। वहीं कॉलिंग इनग्राम पर भी अगर नज़र डालें तो उन्होंने 12 मैचों में 184 रन बनाए थे, जिससे उनका एवरेज 18.40 का था। वहीं अगर ऑलराउंडर पर नज़र डालें तो क्रिस मॉरिस, जिन्होंने 9 मैच खेला, 32 रन बनाए और साथ ही 13 विकेट भी लिए। वहीं अगर विकेट कीपिंग में अगर नज़र डालें तो ऋषभ पंत, जो टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी में से एक माने जाते हैं, जो हर परिस्थिति में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, अगर इन पर नज़र डालें तो इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 14 मैच खेले थे, जिसमें वो सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहे, जिनके बल्ले से 488 रन भी निकला और साथ ही इनका एवरेज भी काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने 37.53 के एवरेज से पूरा टूर्नामेंट में अच्छी बल्लेबाजी की थी। वहीं अगर स्पिन डिपार्टमेंट पर नज़र डालें तो अमित मिश्रा और अक्षर पटेल पर खास दारोमदार रहती है, जिन्होंने दोनों का अगर नज़र डालें तो अमित मिश्रा ने 11 विकेट लिया था, वहीं अक्षर पटेल ने 10 विकेट लिया था और रन भी 110 रन बनाए थे। वहीं अगर फास्ट बॉलिंग तो कशिगो रबाडा, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 25 विकेट लेकर टॉप गेंदबाजों में शामिल थे, साथ ही ईशांत शर्मा, जो कि 13 विकेट पिछले संस्करण में लेने में कामयाब हुए थे, वहीं कीमो पॉल, जिन्होंने 9 विकेट लिया था, क्रिस वॉक्स और साथ ही मोहित शर्मा भी इनके डिपार्टमेंट में हैं जब इनको ज़रूरत पड़ती है टीम के लिए खिलाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि इस तरह अभी फ़िलहाल दिल्ली की जो टीम है यंगस्टर टीम है, और पिछले सीजन में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी तो उम्मीद ज़रूर लगाया जा रहा है कि इस बार भी आईपीएल में दिल्ली की टीम बेहतर खेलेगी, क्योंकि टूर्नामेंट में दिल्ली की टीम तीसरे स्थान पर थी। अगर साथ ही वही किस्मत का सहारा मिला तो इस बार श्रेष्ठ अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली की टीम विनर भी बन सकती है।